सुल्तानपुर के थाना धम्मौर में महिला पिंक रेस्ट रूम का उद्घाटन जिलाधिकारी रवीश कुमार और एसपी अरविंद चतुर्वेदी के हाथों से संपन्न हुआ। महिला रेस्ट रूम महिलाओं की सुविधाओं के लिए बनाया गया है। वर्तमान में ये कार्रवाई की जा रही है कि पूर्व में गांव के आपराधिक इतिहास, एक हर थाने में हर गांव का एक रजिस्टर नंबर 8 होता है जिसमें गांव का पूरा आपराधिक इतिहास, वहां के सभी जो व्यवस्थाएं होती है उनके बारे में विवरण, गांव के कौन स्पीकर वगैरह वो भी उसमें वर्णित रहता है। उसके आधार पर गाँव में जाकर के पूछताछ और जो जिस प्रकार के अपराधी होते हैं उनको चेतावनी दी जाती है, फिर अन्य जो लोग पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं उनको आगाह किया जाता है कि जो चुनाव में हमें चुनाव लड़ना नहीं, हमें चुनाव में प्रतिभाग करना है, और उनको समझाया जाता है कि यदि आपके थोड़े से देर की भूल के कारण आगे बहुत दिनों तक तो मुकदमा विवेचना झेलना पड़ सकता है। इस कार्रवाई से पूर्व, इससे पहले मेरठ में था मैं तैनात, तो वहाँ पर इसका काफ़ी हमें फ़ायदा मिला था, तो वही पद्धति हम लोग यहाँ पर भी उसको दोहराना चाह रहे हैं ताकि लोग सतर्क रहें, आगाह रहें और कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान शांतिपूर्ण। आज थाना धम्मौर जनपद सुल्तानपुर में परिसर में बने हुए पिंक रेस्ट रूम का उद्घाटन जिलाधिकारी सुल्तानपुर श्री रजेश गुप्ता जी द्वारा किया गया है। ये मिशन शक्ति के अंतर्गत शासन और पुलिस विभाग के निर्देश थे कि महिला कर्मियों की निजता को ध्यान में रखते हुए कक्ष बनाया जाए थाने पर जिसका उपयोग केवल और केवल महिलाएं करेंगी। आज बड़ा सुंदर सूर्यपूर्ण ढंग से बनाया हुआ इस कक्ष का उद्घाटन किया गया है। मुझे विश्वास है कि इस थाने पर तैनात महिलाओं को सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही साथ मधु मिशन जिसका आरंभ थाना कुरवार से किया गया था उसके चरण दो में 25 डब्बों का आज यहां लोकार्पण किया गया। प्रशिक्षित चौकीदारों द्वारा उसका एक छोटा सा प्रदर्शन भी यहाँ दिखाया गया। इसके अलावा आज जो मुख्य उद्देश्य था यहाँ आने का, आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए जिलाधिकारी के साथ मैं और मेरी टीम विभिन्न गांवों में भ्रमण करेंगे और वहां लोगों को आगाह करेंगे कि आगामी पंचायत चुनाव में शांतिपूर्वक ढंग से मतदान में प्रतिभाग करें। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, किसी पुराने विवाद को लेकर नई उत्तेजना फैलाना या कोई नया विवाद पैदा करना, किसी भी प्रकार से मतदान को कुप्रभावित करना, इसके सख्त इस पर कार्रवाई होगी और इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। अगर कोई भी हिमाकत करता है उसको सही सबक दिखाया जाएगा, कानूनी धाराओं के अंतर्गत मुकदमा लिख के उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस क्रम में आज हम लोग थाना धम्मौर के दादूपुर और उभरपुर गांव में जा रहे हैं। यहां से पूर्व में सूचना है, वहां के लोग एकत्र होंगे, वहां के राजस्व कर्मी और नॉन गवर्नमेंट बॉडीज के जो लोग हैं वो भी वहां उपलब्ध होंगे जिससे उनके माध्यम से लोगों में कड़ा संदेश भेजा जा सके।